नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रजनीश पाटिल में, योर नंबर वन सोर्स फॉर ऑल थिंग्स इन कॉमर्स एजुकेशन। अगर आप फर्स्ट टाइम आए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करेंगे। चलो दोस्तों, आज अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ डिसोल्यूशन, जो कि आपके स्टेट बोर्ड के बुक का पेज नंबर 216 के ऊपर दिया हुआ है, ऑफ पेज नंबर 216। अ फर्म कंसिस्टिंग ऑफ पार्टनर्स महेश, सुरेश एंड योगेश डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। दे डिसाइडेड टू टेक ओवर सर्टेन असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कंटिन्यू बिजनेस सेपरेटली। मेन है कि उन्होंने अपना फर्म बंद करने का सोचा है, दैट ये लाइन बहुत काम की है। द बैलेंस शीट वॉज एज अंडर, कैपिटल अकाउंट देके रखा है, ये ओपनिंग बैलेंस में चला जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। क्रेडिटर्स और लोन ये ट्रांसफर हो जाएंगे आपके सन्डे लाइबिलिटीज। असेट्स पूरी के पूरे ट्रांसफर हो जाएंगे एक्सेप्ट आरडीडी, आरडीडी को भी आपको सन्डे लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करने का है। कैश आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा कैश अकाउंट के डेबिट में। तो पहले आप लोग फॉर्मेट बना लोगे, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओगे आप, डेबिट क्रेडिट। फिर आप सुरेश योगेश, महेश सुरेश योगेश का कैपिटल अकाउंट बनाओगे, महेश सुरेश योगेश, महेश सुरेश योगेश, डेबिट क्रेडिट। लगे हाथ क्या करोगे दोस्तों आप, बाय ओपनिंग बैलेंस। उनका ओपनिंग बैलेंस जो है वो भी ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, 55,000, 20,000 एंड 14,000। कैश अकाउंट बना लोगे सबसे एंड में, डेबिट क्रेडिट, उसका भी 2 ओपनिंग बैलेंस आप ट्रांसफर कर दोगे। कैश का ओपनिंग बैलेंस देख रखा है आपको 6,400। ये होगी आपकी फर्स्ट स्टेप। फिर क्या करना है दोस्तों आपको, अगर लायबिलिटी साइड में अनडिस्प्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व रहते थे तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे सभी पार्टनर्स में। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे बिकॉज दे आर इक्वल पार्टनर्स। तो नेक्स्ट स्टेप है फिर आपकी, पूरे के पूरे सन्ड्री एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे अपन रिलेशन अकाउंट के डेबिट में। टू सन्ड्री असेट्स, फर्नीचर, सन्ड्री असेट्स, डेटर्स, ग्रॉस ट्रांसफर करना है आपको ये वाली वैल्यू 48,400, 34,000, 2,000। स्टॉक भी ट्रांसफर करना है आपको 15,600 और कैश को ऑलरेडी अपन ने ओपनिंग बैलेंस में ट्रांसफर कर दिया है। राइट टिक मार देंगे अपन जो जो ट्रांसफर हुआ है वो। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका। इसकी जो एडिशन है दोस्तों वो आएंगे आपकी 2,000, 34,000, 48,000, 400, 15,600, 1,00,000 रुपीज आ गई एडिशन इसकी सन्डे एसेट्स की। नेक्स्ट स्टेप है आपकी सन्डे लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देंगे अपन रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय सन्डे लायबिलिटीज। इसमें आएगा आपका क्रेडिटर्स, इसमें आएगा आपका लोन। अगर ये पार्टनर्स लोन रहता था तो उसका अकाउंट बनाना पड़ता था सेपरेटली अपने को, 3,000, 12,000 और ये आरडीडी भी ट्रांसफर कर देंगे आप 2,400, 17,400 रुपीज इसकी एडिशन आ जाएंगे दोस्तों। अभी नेक्स्ट स्टेप दोस्तों, जो एडजस्टमेंट है पोस्ट बैलेंस शीट, उसे अपन इफेक्ट देंगे। हर क्वेश्चन इसी प्रकार से इसी सीक्वेंस में आपको सॉल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय, वीडियो देखते समय कुछ दिक्कत जाएंगी तो आप नीचे कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे
उसका मैं आपको आंसर दूंगा। महेश इज टू टेक फर्नीचर एट ₹1600 एंड द डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹40,000 एट ₹34,000 ओनली। तो महेश डेटर्स 34,000 में और फर्नीचर लेने वाला है 1600 में, तो एक प्रकार से ड्रॉइंग हो गए। तो महेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन यानी रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ जाएगा बाय महेश कैपिटल। फर्नीचर 1600 एंड डेटर्स 34,000, एडिशन बिकम्स 34,400 में लिया है डेटर्स, ऐसा बोला है। ठीक है चलो, डेटर्स लिया है उसने यहाँ पे 34,400 वैल्यू है करेक्शन, सो 34,400 तो एडिशन आ जाएगा इसका 36,000 और ये 36,000 का सेकंड इफेक्ट महेश के डेबिट में हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। अपार्ट फ्रॉम दैट ही एक्सेप्टेड द क्रेडिटर्स ऑफ ₹12,000 एट दैट फिगर, उसने क्रेडिटर्स का पैसा भी दे दिया है ₹12,000। तो रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू महेश कैपिटल हो जाएंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे हम क्रेडिटर्स का पैसा उसने पेड कर दिया। एक प्रकार से दोस्तों उसने पैसा घर से लाया ही ना, तो उसके क्रेडिट में चला जाएगा कैपिटल के बाय रियलाइजेशन अकाउंट 12,000 महेश के कॉलम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है दोस्तों आपकी, अभी सुरेश इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक एट 14,000 एंड सन्ड्री एसेट वर्थ ₹16,000 एट 14,400 एंड 14,400। तो एक प्रकार से ड्रॉइंग हो गया, तो ये भी चला जाएगा सुरेश के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। क्या क्या लिया है उसने, स्टॉक लिया है 14,000 में और सन्ड्री असेट्स लिया है उसने दोस्तों 14,400 में, 28,400 आउटर में जाएगा और ये सुरेश के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा 28,400। ये भी हो गया आपका। योगेश इज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री असेट एट ₹16,000 एंड अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द लोन गिवन, लोन टुगेदर विद will accrued interest on loan of ₹60 which has not recorded in the accounts. पहले तो योगेश is to take over the remaining sundry asset for ₹16,000 इसके एंट्री कर दो, यानी योगेश के कैपिटल के डेबिट में चला जाएंगे by योगेश कैपिटल। sundry assets ले लिया इसने, कितने में ले लिया दोस्तों ₹16,000 में, योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन 16,000 ये हो गया और उसने डिस्चार्ज किया लोन को अलोंग विद इंटरेस्ट, तो उसके कैपिटल के क्रेडिट में चला जाएगा। तो रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू योगेश कैपिटल अकाउंट, लोन का पैसा देगा वो, लोन का पैसा देगा ₹3,000 प्लस इंटरेस्ट देगा उसके ऊपर का ₹60, यानी 3,060 योगेश के कैपिटल के क्रेडिट पे चला जाएगा। वेरी नाइस। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर ₹540, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस यहाँ आएगा रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हाउ मच 540 टू कैश, मतलब कैश के क्रेडिट में by realization account, dissolution expenses 540. The remaining debtors realize ₹4,200 only. Realize means cash हमारे पास आएगी, income होगा, इसलिए realization account के credit में दिखाएंगे।
बाय कैश, डेटर्स ने कितना वसूल किया? 4,200 बाय कैश, मीन्स कैश अकाउंट के डेबिट में। टू रियलाइजेशन, कितना वसूल किया? 4,200। वेरी नाइस। अभी हम लोग रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो फाइंड करेंगे। यहाँ पे आएंगे डेबिट की टोटल, यहाँ आएंगे आपकी क्रेडिट की टोटल। चलो करते हैं अपन प्रॉफिट लॉस फाइंड करते हैं। 1,00,000 प्लस 12,000 प्लस 3,060 प्लस 540, 1,15,600, और क्रेडिट में आएगा 17,400 प्लस 36,000 प्लस 28,400 प्लस 16,000 प्लस 4,200, 1,02,000 आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड में। तो डेबिट इज हेवियर, तो लॉस आएगा यहाँ पे 13,600 का, लॉस आ जाएगा 13,600 का। 1,15,600, 1,15,600, फिर कैसे ढूंढते हैं, 1,15,600 में से माइनस कर देंगे 1,02,000, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 13,600 का लॉस बाय एट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट महेश, सुरेश और योगेश के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे अपन। 13,600 को 3 से डिवाइड कर दो क्योंकि तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं। 4,533, 4,533, 4,534 अपन उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बाय कैपिटल अकाउंट मीन्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा वो। टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 4,533, 4,533 एंड 4,534। अभी हम लोग कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले महेश का कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे हम दोस्तों। तो महेश के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड इज हेवियर, 55,000 प्लस 12,000 दैट कम्स टू 67,000, 67,000 इधर लिख दिया, और 67,000 में से माइनस कर देंगे हम 36,000 और 4,533, तो ये आ गया 26,467। अभी ये डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, हम लोग बिजनेस को क्लोज कर रहे, बंद कर रहे, तो ये चला जाएगा आपका टू कैश, कैश अकाउंट में। यानी महेश को डिसोल्यूशन के एंड में इतनी कैश हमें देने की है, बैलेंसिंग फिगर। अभी अगर आप देखोगे सुरेश का डेबिट साइड इज हेवियर, 28,400 प्लस 4,533 तो 32,933, 32,933 इसमें से माइनस कर देंगे हम 20,000 तो 12,933 कैश लानी पड़ेगी बाय कैश अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर, महेश को कैश देंगे, सुरेश को कैश लाने पड़ेंगी, तो इसकी भी एंट्री दे दो नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। बाय कैश मीन्स कैश अकाउंट के डेबिट में टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, टू सुरेश कैपिटल, 12,933 और यहां पे था कैश के क्रेडिट में बाय महेश कैपिटल, क्योंकि उसे कैश देनी थी, बाय महेश कैपिटल कितनी कैश देनी थी उसको, 26,467। अभी बचा है आपका अकाउंट सी एस योगेश जी का, योगेश का भी आपका 16,420 यानी डेबिट साइड ही बड़ा दिख रहा है, 20,534
20534 में से माइनस कर देंगे हम 3060, माइनस कर देंगे 14,000, तो इससे भी कैश लाएंगे अपन 3474 की कैश अकाउंट के डेबिट में टू योगेश कैपिटल 3474, और अल्टीमेटली आपका एंड में कैपिटल अकाउंट हो जाना चाहिए क्लोज, बोथ साइड आपके कैपिटल के सॉरी कैश अकाउंट होना चाहिए क्लोज, एंड में आपका बोथ साइड आपके कैश अकाउंट के टैली होने ही चाहिए दोस्तों। तो आपने बराबर किया है 27007 एंड 26467 प्लस 540 27007 पे आपका ये टैली होता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, लाइक करेंगे कमेंट करेंगे कुछ प्रॉब्लम रहा है आपको तो, और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, कमेंट का मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।